Hello, all. This is Ankur here. Welcome to my YouTube channel Technical Analysis The Unbiased View. So, today I'm going to discuss two stocks with you one is Orvindo Pharma, and another one is CoForge. Before starting that, you would have seen in thumbnail that all my previous four videos with analysis, whether that was Nifty, Bank Nifty, ACC, and Amaraja Batteries, all played well. They respected the levels from the support, right? And we have got close to seven percent of more than seven percent. That was a gross opportunity. In that seven percent, somebody would have got three percent, two percent, five percent, four percent, subject to their trading style. So, total gross opportunity, we have got seven percent. That's a fantastic run up, right? So, quickly in this video. थ ऑरविंदो फार्मा दिस इज द चार्ट ऑफ ऑरविंदो फार्मा इन फ्रंट ऑफ यू ये आप सबके सामने ऑरविंदो फार्मा का चार्ट है ऑरविंदो फार्मा के अंदर एक बहुत ही सिंपल चीज है पॉइंट आउट करने के लिए कि इसने बहुत बार थाउजेंड रुपीज के ऊपर जाने की कोशिश करी एज यू कैन सी द स्टॉक हैज्राइड गोइंग अबव थाउजेंड मल्टीपल टाइम्स बट इट कुड इन क्लोज अबव थाउजेंड नॉट इवन अ सिंगल डे आप यहां देखिए ऑन फिफ्थ ऑफ जैन राइट इट मेड ऑलमोस्ट हाई ऑफ नाइन नाइनटी सिक्स ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जैन द स्टॉक मेड हाई ऑफ थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बट क्लोज बिलो थाउजेंड नाइन नाइनटी एट ऑन ट्वेंटी of ऑफ अप्रिल स्टॉक अगेन मेड हाई ऑफ थाउजेंड सिक्स अगेन क्लोज बिलो थाउजेंड नाइन नेक्स्ट डे ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अप्रैल अगेन स्टॉक मेडा हाई ऑफ थाउजेंड फिफ्टीन बट अगेन क्लोज नाइन नाइनटी थ्री उसके अगले दिन अगेन स्टॉक मेडा हाई ऑफ थाउजेंड एट ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल बट क्लोज ऑन नाइन नाइनटी थ्री करेक्ट और आज ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल स्टॉक ऑलमोस्ट मेट थाउजेंड इट्स लाइक ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन फाइव पांच पैसे के लिए रह गया एंड अगेन स्टॉक क्लोज बिलो नाइन सेवेंटी वन

some stocks were down 0.5%, uh, 0.9% fewer down, more than 1 or 2%. <clears throat> however, it was a mixed back because the mid-cap farmer was okay, but the front nifty 50 farmer, those stocks was a part of 50-50 or uh, those was the part of uh, fno futures derivatives, they were a little weak. now, what we have to gauge from here, the resistance for the stock will keep it 1000, right? A little more than that 1005 or 1007 that's our resistance we will allow stock to close above 1000 if you want to play long in that in that also i would request all of you wait till five, 5 uh, 25 25 and see whether the open is equal to low is there or not if it is there then keep the stop loss of a low and long but today since the stock closed below the channel you can see there is another interesting band which is this right this band was a resistance for the stock and then stock started trading above it and stock closed just took the support of that today or pharma made a low of 966 and this band is 968.

on 25th of Jan there was an extraordinary day, right? A stock, एकदम से spurt मारा, but very next day again stock closed below 959 and again started coming down. उसके बाद two days, 9th of Feb, right? और उसके बाद 10th of Feb. दोनों दिन एक दिन स्टॉक ने हाई लगाया 974 का दूसरे दिन हाई लगाया 980 का करेक्ट और एक दिन 59 पे बंद हुआ एक दिन 67 पे बंद हुआ उसके बाद कंटिन्यूअसली डाउनफॉल मेरा फिर टू हंड्रेड डेज एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के पास आके उसने सपोर्ट लिया और वहां से फिर उसने चलना शुरू किया एंड अगेन एज यू कैन सी फ्रॉम ट्वेंटी एथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स द स्टॉक स्टार्ट क्लोजिंग अबव नाइन सिक्सटी सिक्स इट्स सस्टेन फॉर कपल ऑफ थ्री डेज कपल ऑफ डेज थ्री ट्रेडिंग सेशन इट वॉज क्लोजिंग अबव नाइन सिक्सटी सिक्स अगेन इट ब्रोक टूडे नाउ टुडे अगेन इट केम बैक टू द सेम लेवल ऑफ नाइन सिक्सटी सिक्स एंड क्लोज जस्ट अबाउट नाइन सेवन नाइन सेवनटी वन टूमो कल अगर ऑरविंदो फार्मा नाइन सिक्सटी सिक्स के नीचे खुलता है और पांच मिनट दस मिनट ओपन इक्वल टू तो हाई रहता है तो हमारे टारगेट नाइन फोर्टी सेवन के होंगे राइट एंड ऑप्शन चेन ऑल्सो द हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट इज अ थाउजेंड फॉर दिस मंथ कॉन्ट्रेक्ट विच इज गर एंड ट्वेंटी नाइन एंड नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इट इज स्टिल इन लिक्विड स्टिल द हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस इज एट थाउजेंड ओनली सो थाउजेंड इस महीने का भी आपका रेजिस्टेंस है थाउजेंड आपके अगले महीने का भी एज ऑफ नो का रेजिस्टेंस है सपोर्ट हियर एंड इफ द स्टॉक्स ओपन बिलो नाइन सिक्सटी सिक्स आर एस आई विल ब्रीच दिस सपोर्ट देन द इंटेन्सिटी ऑफ करेक्शन मे बी क्वाइट फास्ट राइट एंड इन मार्केट प्रोफाइल ऑल्सो We have a long point of control somewhere around at 991, which is again acting as a resistance for the channel. So on the basis of market profile point of control, on the basis of option chill analysis, on the basis of price action, on the basis of triple top, right? Price is touching 1000 but not able to close above it. Correct. Now, what is happening is Agar or window Pharma. 966 के ऊपर चला गया था सो दैट द रेजिस्टेंस बिकेम द सपोर्ट नाउ इट अगेन कम्स डाउन बिलो 966 सिक्स अगेन द 966 विल बिकम रेजिस्टेंस करेक्ट तो फिर ये टोटल आपका जो बैंड हो जाएगा 966 से लेकर 944 से लेकर 1000 प्लस थाउजेंड टेन तक ये सारे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्यों क्योंकि यहां पे कोई भी पावर एक्यूमिलेशन हमको नहीं दिखी राइट right?

रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं होने वाला है रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा जब 966 के नीचे के क्लोजिंग आ जाएगी आज का लो टूट जाएगा तो 966 आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा हजार बहुत दूर हो जाएगा करेक्ट और ये चीज हमको मार्केट प्रोफाइल भी दिखा रहा है यहाँ पे नाइन एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और ऑप्शन चेन के अंदर भी आप देख लोगे तो थाउजेंड पे ही हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट है एज ऑफ नाउ करंट मंथ का और नेक्स्ट मंथ का सेकेंड स्टॉक वट आई वु डिस्कस इज को फोर्ज ओफोर्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है को फोर एक मीक और ब्रेक सिचुएशन पे है एज ऑफ नाउ इसके अंदर आप देख रहे हो कि वे फोर पे आके अटका हुआ है अभी वो आज की सी क्लोजिंग टू जीरो टू एट जीरो एट पे आई आज की क्लोजिंग उसकी टू एट जीरो एट पे आई मेरे हिसाब से एज पर मी इट हैज कंप्लीटेड इट्स वे फोर बिकॉज

जीरो थ्री नाइन नाउ टुमोरोट और ओपन से चल बिलो टू सेवन नाइन एट करेक्ट इट विल एंड टच दिसको दिख रहा है यहां बहुत बड़ा पिन बार दिख रहा है यहां एक बहुत बड़ा पिन बार दिख रहा है आपको इफ द स्टॉक्स ओपन बिलो टू सेवन नाइन एट और क्लोजेज बिलो टू सेवन नाइन एट देन 2808 और 2813 एट वन थ्री विल बिकम यॉज रेजिस्टेंस वहां से जाएगा रिजेक्शन लेगा आ सकता है नीचे एंड ऑल द वेट विल कम एंड टच दिस डाउनवर्ड चैनल इन मार्केट प्रोफाइल ऑल्सो द वैल्यू एरिया लो इज टू एट जीरो करेक्ट सो वेन वैल्यू एरिया लो इट सेल्फ इज टू एट जीरो फाइव विच इज दिस बैंड अगर उसके नीचे जाता है देन अगेन द करेक्शन फास्ट हमको वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है इतने सारे स्टॉक्स में पे हमें क्विक रिजल्ट मिल सके और क्लियर लेवल मिल सके सो so, कोफोर्स के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग एज पर मी इट हैज कम्प्लीटेड द वे फॉर रीजन इट केम एंड इट टुक द सपोर्ट ऑफ सिक्सटी ई एम ए इट विल नाउ मेक अ करेक्टिव वेव राइट सॉरी इम्पल्सिव वेव नॉट द करेक्टिव वेव इम्पल्सिव वेव एंड स्टॉक क्लोजेस बिलो टुमोरो और डे आफ्टर एनी डे

ट स्टिल दैट लेवल आर अलाइ वो लेवल अभी कहीं गए नहीं है सो यू कैन ट्रेड टूमोरो ऑल्सो इन दोस्टेंस एटीन सिक्सटी सपोर्ट एटीन थर्टीन एटीन थर्टीन के नीचे क्लोज हुआ तो फिर नीचे का सेवनटीन एटी टू ऊपर गया क्लोज हुआ तो एटीन नाइन सिमिलरली विदा ज बैटरीज टूडेट गेव अस वन परसेंट अराउंड मूव अगेन इट केम बैक ठीक है नो बडी हेज लॉस्ट द मनी बिकॉज इट इज नॉट क्लोज इट इट ओपन एट एट जीरो टू इट मेड अ लो ऑफ सेवन नाइन एन एंड क्लोज एट जीरो वन

Today it made the high of sorry there's a lot of line here that is my intraday work. So bank Nifty made a high of 32, 624, and when I posted the video, bank Nifty was at 31, 762. So it gave a very good run of 800 points out. Correct. So keep a note of these levels for orvindo pharma and CoForge. Right. Keep supporting. Keep watching. Bye bye.